सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दिन पहले मैंने वीडियो में आपको भी बताया था कि पारद के कितने प्रकार होते हैं, कितनी जातियां होती हैं और कौन सा पारद किस कर्म में उपयुक्त होता है। तो ये बात तो आपके सामने अब क्लियर हो चुकी है कि जो वैश्य पारा होता है, यानी कि जो कि श्वेत रंग का पारा होता है, वही कीमिया में अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो पारा बाजार में उपलब्ध है, वह भी यदि भली प्रकार से शोधित कर लिया जाए, संस्कारित कर लिया जाए, तो उस पारे से भी काम चल जाता है। अब प्रिय मित्रों देखिए, जैसे कोई आप शिवलिंग है या कोई गुटिका बनवाते हैं या कोई मूर्ति वगैरह बनवाते हैं। एक सज्जन ने हमसे कमेंट पर पूछा था, सिद्धेश्वरी शिवलिंग और ये सब गुटिका बनाते हैं क्या? तो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, जी आप बनवा सकते हैं। तो अब ये है कि जैसे बाजार में कोई चीज़ आप लेते हैं, शिवलिंग लेंगे बाजार में, आपको मुश्किल से 700-800 रुपए से शुरू होकर के आपको मिल जाएगा। परंतु हमारे यहाँ वही जो शिवलिंग आपको 700-800 रुपए का मिलेगा, वही शिवलिंग हमसे बनवाएंगे तो 50,000 रुपए का बन सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, आप तो खुले लूट रहे हैं लोगों को। तो मैं बताता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी पारद के संबंध में, एक से एक चमत्कारी बातें सुनी, हमने भी बताई, लोगों ने भी बताई। अब आपके अंदर तो ये भाव आ गया कि आपको पारे की बनी हुई कोई मूर्ति या शिवलिंग या गुटिका कुछ ना कुछ आपको लेना है। और सबसे बड़ी बात आदमी के अंदर होती है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो वही क्रिया यहाँ काम करती है। अच्छा, बनाने वालों को क्या चाहिए? बनाने वालों को तो चाहिए पैसा। आप जितना कम दोगे वो कह देंगे हाँ ठीक मैं बनाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लघु कथा है, उस लघु कथा में एक व्यक्ति एक दर्जी के पास जाता है। वो दर्जी के पास जाता है और एक जोड़ा पैंट और एक जोड़ा पैजामा और कुर्ते का लेके जाता है। फिर उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि कहीं यह है जो हमारा दर्जी है, इससे कपड़ा तो नहीं बचा लेगा। तो वो पूछता है उनसे कि क्यों भाई, ये बताओ कि क्या इसमें कोई रुमाल निकल सकती है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रुमाल निकाल दूंगा। दर्जी को भी लगा कि चलो ठीक है, रुमाल निकल आएगी, नहीं भी निकलेगी तो मैं कहीं दूसरे कपड़े से बना करके रुमाल दे दूंगा। खैर, तो अब वो इसी बात पर उसको और शक हो गया कि यार रुमाल निकल रही है तो लगता है कि इसमें दो रुमालें निकल सकती हैं। तो उसने दर्जी से कहा कि भाई साहब क्या दो रुमालें निकल सकती हैं? दर्जी ने उसको गौर से देखा और सोचा अच्छा ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। उसने कहा ठीक है मैं दो रुमालें निकाल देता हूँ। तो वो सोचता है, देखो मैं सोच रहा था ना कि कपड़ा ही बचाता है। अच्छा दर्जी तुम ये एक इसमें टोपी भी निकाल देना। दर्जी को भी लगा कि अच्छा ठीक है, बोले सबके घर आपको पैसे एडवांस में जमा कर दो और मैं टोपी भी निकाल दूंगा। अब उसकी जितना वो झुकता जाता है उतना वो उसका लालच बढ़ता जाता है। वो कहता है भाई दर्जी मियाँ,
दो टोपियां हो जाएंगी क्या? बोला हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। और उत्साहित होकर के बोलता है, अच्छा तो एक कुर्ता और एक पैजामा इसमें और हो जाएगा? तो वो कहता है अच्छा हो जाएगा। तो उसने सोचा, यार मैं कितना बेवकूफ था कि अभी तक इतना कपड़ा बर्बाद करता रहा, सिलाई भी देता रहा, और साला इतना कपड़ा बचता है। और तो उसने कहा ऐसा करना कि चार कुर्ते, चार पजामे, चार टोपियाँ और उसी में से चार रुमाले निकाल देना। तो दर्जी ने कहा, वो जानता था कि उसे क्या करना है। तो उसने कहा ऐसा है कि सबके एडवांस पैसे जमा कर दूँ। सिलाई उसने एडवांस में ले ली। बोले जाओ, अब दो दिन बाद आकर के सारे कपड़े ले जाना। तो बाकायदे उसने पर्चा काट के दे दिया कि ये 5 मीटर कपड़ा लाए थे और उसमें से इतनी इतनी इनकी डिमांड थी कि चार कुर्ते, चार पाजामे, चार टोपियाँ, चार रुमाले, है ना। पर्चा भी काट के दे दिया, बोला साइन करो। उन्होंने, क्रेता और विक्रेता दोनों ने साइन भी कर दिए। अब ये खुशी खुशी घर चला गया। दो दिन बाद आता है, दर्जी मेरे कपड़े क्या बन गए? हाँ हाँ तुम्हारे कपड़े बन गए हैं, वो रखे हैं, ले जाओ। अब जब कपड़े देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है कि चार रुमाले तो हैं, चार टोपियाँ भी हैं, चार कुर्ते भी हैं और चार पाजामे भी हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे कि किसी 6 महीने के बच्चे को पहनानी होगी। अब वो बड़ा गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों किया। तो दर्जी ने कहा कि तुम, ये तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं थी। मैं तो ये बताओ कि जब तुम इतना कपड़ा लाए थे, जीवन में कभी तुमने इससे ज़्यादा कपड़ा बनवाए थे कभी, या बन सकते हैं? मैंने तो बस हाँ करता रहा तुम्हारी इच्छा को। मैंने भी सोचा हो सकता है कि भाई चलो किसी बच्चे की कपड़े बनवा रहे होंगे, बना दिए। अब वो आदमी पुलिस के पास जाता है, साहब इन्होंने मेरा कपड़ा बर्बाद कर दिया। तो उसने पर्चा दिखा दिया, साहब इनका ऑर्डर था, मुझे करना पड़ा। अंत में वो आदमी खुद झूठा सिद्ध हो गया, दर्जी बच गया। वही होता है कि जब आप सस्तापन चाहते हैं तो फिर वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं मिल सकती आप। कोई आदमी इतनी सारी मेहनत करके वो चीज़ आपको इतना सस्ते में दे नहीं सकता, और जो दे रहा है तो बस समझ लो कि वो कैसे दे रहा होगा। तो आप लोगों को सही चीज़ की अगर कद्र नहीं है तो उसको खरीदिए मत। आजकल हर जगह पायरेसी चल रही है, हर जगह नकलीपन चल रहा है। तो अगर, पहली बात तो भारत के सब कोई संस्कार ही जानता हो, यही बहुत बड़ी बात है। फिर वो संस्कार करने के बाद में इतना सारा मेहनत करेगा वो, तो फिर वो किसी को क्यों देगा? कम से कम भाई मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है ना, मैं तो नहीं दे सकता आप लोगों को। हाँ लेकिन अगर दे दिया तो पीढ़ियाँ याद रखेंगी आपकी, ऐसी चीज बनेगी फिर। वरना फिर क्या है, लोग जैसे चला रहे हैं चला रहे हैं। अब यही सब कुछ सीखना भी हो अगर तो सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको विधिवत उसी तरीके से सीखना पड़ेगा जैसे कि हम सिखाते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, सिखाएंगे, हृदय से सिखाएंगे। सीखोगे आप और उसके फीस आप दोगे, मेरा काम आपको बताना सिखाना सब कुछ है। तो
मैं समझता हूँ कि शायद मैंने अपनी बात कह दी है, और यदि आपको अच्छी बात लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ना अच्छी लगी हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप डिसलाइक कर सकते हो, आप चैनल छोड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। नकलीपन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं कर पाऊँगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।